अभी आपका जो न्यूट्री चार्ज वुमन है, ठीक है, न्यूट्री चार्ज वुमन जो है वो क्लिनिकली प्रूवन नहीं था। हम लोगों ने कुछ सेशन में आपको बताया था, फिजिकल सेशंस में, ऑनलाइन सेशंस में, कि क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, शुरू हुआ है, राइट। खुशखबरी ये है कि पहला जो पड़ाव है, पहला सेट है क्लिनिकल ट्रायल का, वो कंप्लीट हो चुका है। इसके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, राइट, डिजिटल क्लैपिंग हो सकती है इसके लिए डेफिनेटली, क्योंकि पहला जो सेट है ट्रायल का वो हो चुका। 30 महिलाओं के ऊपर जो है न्यूट्रीचार्ज वुमन का ट्रायल हो चुका है। मतलब आप समझ सकते हैं कि 3 महीने जो है हम लोगों ने ट्रायल किया, 30 अलग-अलग एज की महिलाएं जिनको महावारी होती है, और 3 महीने पहले उनका हीमोग्लोबिन का क्या लेवल था और 3 महीने बाद उनका हीमोग्लोबिन का लेवल था क्या था, उसका जो है हम लोगों ने डिफरेंस किया, हम लोगों ने देखा, मिलाया कि क्या कितना हीमोग्लोबिन बढ़ा है। खुशी की बात यह है कि 29 के 30 महिलाओं का जो है हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ा है अलग अलग, क्योंकि हर किसी का शरीर जो है वो अलग होता है। तो किसी के शरीर में शायद जो है 2 ग्राम बढ़ा, मतलब 2 पॉइंट, अगर मैं आपको आसानी से समझाऊं तो, ठीक है, किसी के शरीर में 4 पॉइंट बढ़ा, किसी के शरीर में 6 पॉइंट तक बढ़ा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बढ़िया जो है काम कर रहा है प्रोडक्ट। आपको तो पता था ऑलरेडी, आप खुद भी यूज कर रहे हैं, अगर आप महिला हैं तो अपने घर में पुरुष जो है वो दे ही रहे हैं, इतना तो मुझे विश्वास है। तो हमको तो पता है, जब हम लोग सेशन में आते हैं, बात करते हैं, हमको पता है कि प्रोडक्ट कैसा है, पर अगर क्लिनिकली प्रूवन उसके ऊपर एक जो है ऐसा स्टैंप लग जाए तो कस्टमर को बताने में इजी होता है, राइट। तो वो प्रोसेस बहुत फास्ट जो है आ चुका है, अभी भी कुछ सेट इसके बाकी, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन का लेवल किन के शरीर में बढ़ा है। हीमोग्लोबिन का लेवल सबसे ज्यादा बढ़ा है जो किशोरियां हैं उनके शरीर, राइट, सबसे ज्यादा उनके शरीर में बढ़ा। अभी ये आप पूछेंगे कि क्यों उनके शरीर में क्यों ज्यादा बढ़ा, उनके शरीर में इसलिए ज्यादा बढ़ा क्योंकि उनका जो एज है, उनका जो अभी शरीर की जो स्थिति है, उसमें जो अवशोषण होता है न्यूट्रीचार्ज वुमन के जो इंग्रेडिएंट्स है उसका जो फायदे हैं, जितना अवशोषित होगा वो बेहतर है, इसलिए उनके शरीर में ज्यादा से ज्यादा जो है ये न्यूट्रीचार्ज वुमन हीमोग्लोबिन का मात्रा बढ़ा रहा है। मतलब 5 से 6 पॉइंट तक बढ़ा है उनके शरीर में, ठीक है, 16 साल उसके ऊपर के एज से लड़कियों के ऊपर। तो इससे क्या सीखे हम लोग, इससे 2 चीज पता चली हमको। पहली बात तो कि पहला सेट हो गया क्लिनिकल ट्रायल का, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आया है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा अभी हमारा। दूसरा चीज ये जाने कि एडोलेसेंट गर्ल्स यानी कि जो किशोरियां हैं वो अगर हमारी कस्टमर बने तो हम लोग बहुत 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 बढ़िया जो है काम कर सकते हैं, क्योंकि उनको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा, राइट। समझ रहे हैं हम लोग कि कौन से कस्टमर के पास सबसे ज्यादा जाना है, बच्चों के पास ज्यादा जाना है, जिनकी आप समझ लीजिए कि अभी जो है महावारी चालू हुई है या फिर कुछ साल हुए हैं महावारी चालू हुई है, जो लड़कियां कॉलेज में पढ़ती हैं, ठीक है, हाई स्कूल में पढ़ती हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, उनके पास आप जाइए, ठीक है, समझ गए हम लोग, राइट। इतना तक हम लोग समझ गए हैं ऑलरेडी। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि चलो क्लिनिकल ट्रायल हो गया, आप लोगों ने क्लैपिंग कर दी, आपको बहुत मजा आया, क्योंकि एनीवेज हम लोग काम कर रहे हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर, और क्योंकि जिस प्रोडक्ट के ऊपर इतना ज्यादा काम करते हैं वो प्रोडक्ट हमको सबसे ज्यादा जो है, हमको गर्व भी उस प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा होता है कि वो अच्छा काम कर रहा है। और हमको मेन काम चाहिए क्या, कि महिलाओं को देना है, और स्पेशली बच्चों को देंगे तो उनका भविष्य जो है वो सुधर जाएगा, राइट। जो भी समस्याएं बच्चों को आ सकती हैं, अगर उनका हीमोग्लोबिन कम है तो वो समस्याएं नहीं आएंगी उनको, अगर जो है हम लोग न्यूट्रीचार्ज वुमन उनको दे रहे हैं, अभी तो भरोसा भी दे सकते हैं कि चलो क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट दे रहे हैं आपको। तो किसी के भी बेटी को आप दोगे तो उनका प्रश्न होगा, माँ का या फिर बाप का, जो माँ है या फिर पिताजी है उनका ये क्वेश्चन होगा कि ये सेफ है कि नहीं मेरी बेटी के लिए, राइट। क्योंकि हम लोग बच्चों के लिए सब कुछ बेस्ट क्वालिटी देख के ही देते हैं आजकल के टाइम पे। मेरे घर में भी वो होता है, जब मैं छोटी थी तब भी होता था, अभी भी होता है, आपके घर में भी होता है, अगर आप खुद माँ हैं या फिर खुद जो है आप पिताजी हैं तो आपको भी ये चीज आप करते हो। तो यहाँ पे आपके पास अभी प्रूफ है, अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया बस कि ये क्लिनिकल ट्रायल का पहला सेट हुआ है। आप घर के लोग हैं, आप समझ गए, ठीक है, कस्टमर को कैसे समझाएंगे, क्योंकि अभी तो पैकेट पे नहीं आया क्लिनिकली अप्रूवल लिखा हुआ, अभी नहीं आएगा, टाइम लगेगा उसको होने में, राइट।
तो आप कैसे समझाएंगे? क्योंकि आप अगर कस्टमर को अच्छे से भी जाके बोलेंगे तो वो क्यों विश्वास करें आपको? नए कस्टमर अगर हैं तो कैसे विश्वास करेंगे आपको? वो तो बोलेंगे कि आप तो बात की बात बोल रहे हो, आपके प्रोडक्ट के पैकेट में तो कुछ नहीं लिखा, तो कैसे विश्वास करें आपको? राइट, विश्वास कैसे करें? अभी हम लोगों का बार बार जो है सेशन में हम लोग क्या सीख रहे हैं कि बड़ा से बड़ा टारगेट लेना है हमको। अगर बिलिंग कर ली प्रोडक्ट, सेल ही नहीं कर पाए तो बड़ा टारगेट लेने का मतलब क्या है? सेल करना है, राइट? 15 करोड़ महिलाओं के पास पहुंचाना है न्यूट्रीचार्ज वुमन। बिलिंग करके घर पे थोड़ी रख देना है, या फिर उनके घर में पड़ा रहा, उन्होंने यूज ही नहीं किया, कुछ मतलब बना? उनको यूज करना है, काम आना है, राइट? ताकि रिपीट वो खुद कॉल करके हमसे प्रोडक्ट फिर लेके जाए। ये अपना बिजनेस होना चाहिए कि रिपीट कस्टमर बने, राइट? तो हमको क्या करना है कि हमको भी अपने लोकल एरिया में छोटे छोटे जो है ट्रायल करने हैं, ठीक है? इसलिए मैंने आपको शुरुआत में पूछा कि ट्रायल मतलब क्या होता है, ठीक है? छोटे छोटे ट्रायल्स करने हैं। अगर शॉर्ट में मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको आसानी से बताऊं, तो ये करना है आपको कि आपके एरिया के जो लैब है जहां पे ब्लड टेस्ट होता है, वहां पे आपको बात करनी है। वहां पे बात करके उनके साथ जो है एक अच्छा सा जो है रिलेशन हमको बना लेना है, ताकि क्या हो, ताकि ये हो कि वो हमें ये परमिशन दे कि हमारे कस्टमर को हम यहाँ पे ला पाए, और हीमोग्लोबिन का जो टेस्ट होता है, सिर्फ हीमोग्लोबिन का टेस्ट हम लोग करवाएंगे उनका 2 बार, एक बार जब प्रोडक्ट लेना वो शुरू कर रहे हैं उसके पहले, और एक बार 3 महीने के बाद, ताकि कस्टमर को हम लोग दिखा पाए कि ये हीमोग्लोबिन के टेस्ट में डिफरेंस क्या है, बदलाव क्या है। अगर बात की बात बोलती हूँ कि यहाँ पे आप ऐसे कोई लोग हैं जो 10 या फिर 15 टेस्ट उन्होंने करवाए, फिर भी वो क्लिनिकल ट्रायल हुआ आपका अलग से, फिर भी आपने किया, और ये आप अपने कस्टमर को दिखा सकते हो कि देखिए मेरे पास 10 कस्टमर थे, 10 महिलाएं थी, और ये उनका रिपोर्ट है, तो आप डायरेक्टली दिखा सकते हो, आप खुद का वीडियो बना सकते हो रिपोर्ट के साथ, और वो भी नए कस्टमर को दिखा सकते हो। प्रोडक्ट सेलिंग ईजी हो जाएगी, मतलब आपको कुछ बताना ही ज्यादा नहीं पड़ेगा, विश्वास के लोग आपसे प्रोडक्ट लेंगे। अभी देखिए मैंने बोला, आपने नोट डाउन किया, ठीक है? अभी क्योंकि जोश में है हम लोग, क्योंकि हमको पता चला कि चलो क्लिनिकल ट्रायल हो गया, बढ़िया बात है, अभी होने मतलब जस्ट शुरू तो हो गया एटलीस्ट, पर ये बात की बात है, जब सेशन कंप्लीट हो जाएगा तब आप ये सोचेंगे कि मैम ने तो बस बात की बात बता दी, हम कैसे बात करें लैब के लोगों के पास जाके, राइट? बताना और करना बहुत जो है उसमें डिफरेंस होता है। सोच सकते हैं हम लोग, पर फिर रेडी होके जाना, बात कैसे करनी है, कैसे उनको, क्योंकि कन्विंस भी तो करना है ना कि लैब के लोग मान भी जाएं, वो क्यों मानेंगे, राइट? तो ये भी हमको सीखना है। अभी मैं ऐसा बीच में छोड़ के थोड़ी आपको जाऊंगी कि चलो आप लैब पे जाओ, छोटा खुद से ट्रायल करो और खुद काम करो, बस मैंने बस अपना काम कर दिया। ऐसे काम न्यूट्रिशार्ज ने कभी किए भी नहीं है, अभी भी नहीं करेंगे। हर कोई चीज जो आप कर रहे हैं, ये जो कैंपेन आपको पता है कि हम लोगों ने फिजिकल टूल्स बनाए, डिजिटल टूल्स बनाए आप लोगों के लिए, सारा कुछ जो भी आपको चाहिए हम लोगों का अवेलेबिलिटी, यानी कि आप कॉल करो मैसेज करो, हम लोग 24 घंटे जो है अवेलेबल रहते हैं आपके लिए, राइट? तो यहाँ पर भी हम लोग आपको बीच में छोड़ के नहीं जाएंगे। तो ये पॉइंट है जहाँ पे आपको नोट डाउन करना है, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट। पहली बात, जब भी आप कोई लैब के साथ बात करने जाए, कभी भी कोई बड़े लैब में नहीं जाइएगा। बड़े लैब मतलब जो बहुत नामी लैब होते हैं, मतलब जैसे थायरो केयर हो गया, लाल पैथ लैब्स हैं, अपोलो क्लिनिक्स हैं, उनका भी लैब होता है अलग से, तो ऐसे लैब जिनके बहुत सारे शाखाएं हैं हमारे एरिया में, ठीक है ना? बड़े बड़े लैब जो बाहर से बहुत बड़े दिखते हैं, ऐसे लैबोरेटरीज में जहाँ पे ब्लड टेस्ट होता है वहां पे नहीं जाना। जहाँ पे खून की जांच होती है, बड़ी बड़ी जगह है, मतलब आपके एरिया में शायद 3 4 ऐसे लैब हैं सेम नाम के, सेम जगह के अलग अलग शाखा, वहां पे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि वो शायद जो है हमारी बात समझे ना, या फिर उनको जो है हमारी जरूरत ना भी, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी बड़े हैं, तो हमको जाना ही नहीं है उस जगह में। हमको जाना है छोटे लैब्स। छोटे लैब्स मतलब जो लोकल लैब्स हैं, ठीक है? अपने एरिया में शायद एक ही कोई पर्सनल किसी का जो है वो एक लैब है, छोटा सा लैब है, जहां पर ब्लड टेस्ट होता है। डेफिनेटली ऐसे भी लैब में जाए जहां पर ब्लड टेस्ट सही में होता है, पर छोटा लैब है जहां पर आप डायरेक्टली जो है जो ऊंचे पोस्ट पे है उसके साथ आप डायरेक्टली बात कर पाओ, राइट? अभी समझ गए कि कैसे लैब पे जाना है? छोटे लैब में जाना है, राइट? छोटे लोकल लैब पे जाना है। अभी वहां पे जाके क्या करना है? वहां पे जाके अपना इंट्रोडक्शन देना है, परिचय देना है, आप कौन है,
आपको पता है ऑलरेडी कि एक वीडियो बना था रोल प्ले वाला, आपको याद है 9.5 मिनट का एक वीडियो रोल प्ले वाला बना था जो यूट्यूब में अवेलेबल है। आप न्यूट्रीचार्ज के जो चैनल है उसमें जाएंगे, पहला वीडियो आपको वही मिलेगा। वहां पे आपको दिखाया गया है कि कॉलिंग बेल किसी के घर का जब बजाते हैं तो खुद को इंट्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं हम लोग। वैसे ही आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना है कि आप जो है ये जो अपना महिला जो स्वास्थ्य और हाइजीन है इसके ऊपर जो एक अभियान चल रहा है इसके तहत जो है आप काम कर रहे हैं। आप आरसीएम के जो है एक जो है आप आरसीएम के साथ जुड़े हैं, न्यूट्रीचार्ज के साथ जुड़े हैं। आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, अपना नाम बताना है कि आप क्या करते हैं एग्जैक्टली, ठीक है, प्रॉपरली बताना है। बताने के बाद क्या करना है, बताने के बाद आप क्यों, आपको आप यहाँ पे आए हैं, क्यों आपको उनकी सहायता चाहिए, वो भी हमको इजीली बताना है कि देखिए हमारा जो कैंपेन है, ठीक है, हमारा कैंपेन ये है कि 15 करोड़ महिलाओं के पास हमको न्यूट्रीचार्ज वुमन लेके जाना है। क्यों, यहाँ पे ऐड नहीं कर देना कि न्यूट्रीचार्ज वुमन लेके जाना है, जाना है क्योंकि उनका जो हीमोग्लोबिन का लेवल है, क्योंकि जो लैब के लोग हैं उनको पता है कि महिलाओं का हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता है क्योंकि एनीमिया इतना ज्यादा होता है। तो जो एनीमिया है वो हमको भारत से कम करना है 5 साल में, इसीलिए हमको जो है आपकी सहायता चाहिए। क्योंकि अगर हम उनका टेस्ट करें तब जाके पता चलेगा कि उनका लेवल बढ़ रहा है कि नहीं। तो क्या आप जो है इस जो अभियान है इसमें आप हमारा सहायता करेंगे कि नहीं, इस हिसाब से तो कन्विंस करना हमको आना चाहिए, जो अभी आता भी है हमको, क्योंकि हम लोग सेलिंग कर रहे हैं तो हमको ऑलरेडी आता है। हम लोग अपने साथ टूल्स भी रख सकते हैं ताकि एटलीस्ट उनको विश्वास भी हो कि हाँ हम बात की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे पास एक्चुअली में चीजें हैं, ये एक्चुअली में हो रहा है, राइट। अगर आपके पास कोई अपने पुराने कस्टमर का वीडियो है या फिर कुछ टेस्टिमोनियल है आप वो भी दिखा सकते हैं। अभी तो बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स ऐसे हैं जो आपको बहुत सारे अलग अलग जगहों से मिल चुके हैं, अलग अलग टीम से आपके पास टेस्टिमोनियल्स आ चुके हैं, तो आप बात कीजिए उनके साथ। दूसरी बात, अभी जितना भी अच्छे तरीके से आप बात करें, जो भी लैब के ओनर हैं या फिर लैब की जिससे भी आप बात कर रहे हैं उनका वो बिजनेस है, जैसे हमारा ये बिजनेस है उनका वो बिजनेस है। यहाँ पर हम लोग ज्यादातर लोग जो हैं स्वास्थ्य रक्षा के ऊपर काम कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम कर रहे हैं, हम लोग जो है ज्यादा पैसे के बारे में सोचते नहीं। हमारा काम मेन है कि हमको नया भारत, भारत जो है उसका निर्माण करना है, तो हम सेवा के ऊपर ज्यादा सोचते हैं। जो भी आपके सुबह के गुरुकुल के क्लास होते हैं वहाँ पे सेवा के ऊपर बहुत जो है टीचर सर आपको सिखाते हैं, और आपका मनोभाव वैसा है, पर उनका नहीं भी हो सकता है क्योंकि वो फायदे के बारे में सोचेंगे 100%। तो आपको उनको उनका फायदा दिखाना है। कैसे दिखाएं, ऐसे दिखाएं कि आप उनको बताएं कि देखिए पहली बात तो हीमोग्लोबिन का जो टेस्ट होता है, सिर्फ हीमोग्लोबिन का ब्लड टेस्ट, उसका दाम ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए लगता है, खर्चा उसका 100 रुपए होता है टोटल, ठीक है। अभी आप उनको ये ऑफर दीजिए कि 50-50, मतलब 50 रुपए आप खर्चो, 50 रुपए मैं दू या मैं दू जो भी, ठीक है, 50 रुपए लैब देगा, 50 रुपए आप देंगे, ठीक है, और आप टेस्ट करवाओगे। आपको बस ये परमिशन चाहिए कि कस्टमर जो है आपके वो यहाँ से आके टेस्ट करवा पाए, ठीक है। दो फायदे यहाँ पे हैं, पहली बात तो कि आपका जो लैब है उसका नाम बढ़ रहा है, आपके यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे हैं, क्योंकि पहला जब आपके यहाँ पे कोई टेस्ट करवा के गया उसके बाद क्या होगा, उसके बाद के उनके घर के जो ब्लड टेस्ट हैं वो आपके यहाँ से फिर से करवा सकते हैं, आपके रिपीट कस्टमर बन जाएंगे पहली बात तो, क्योंकि ब्लड टेस्ट तो हम लोग एनीवेज हर साल करवाते ही हैं, वो तो मैंडेटरी चीज है, वो तो करनी पड़ती है सबको, आप स्वस्थ हो ना चाहे नहीं हो वो करना पड़ता है आपको 100%, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो आपने 50 रुपए दिए, ठीक है, इससे आपका जो लाभ हुआ यही कस्टमर फिर 3 महीने बाद फिर से आने वाले हैं ब्लड टेस्ट करवाने, तो वो भी आपका एक फायदा है, 3 महीने बाद वो आने वाले हैं, राइट, रिपीट कस्टमर आपके आ गए, तो फायदे की चीज ये है। अभी चलो जो अपने लैब के लोग हैं वो मान गए, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि छोटे लैब में जाइए, हो भी सकता है कि आपके जान पहचान के हों, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जान पहचान के, अगर कोई जान पहचान के है वैसे कोई लोगों को आप उसके आप जो अपने साथ लेके जाए, जब आप बात कर रहे हैं इजी रहता है आपके लिए। अभी देखिए 50-50 मैंने आपको बोला, 50 रुपये उन्होंने दे दिया वो राजी हो गए, अभी आप सोच रहे हैं कि बाकी का जो 50 रुपए है वो आप अपने कस्टमर से लें, क्योंकि 50 रुपए देना
अगर सही कस्टमर हमने चॉइस किया है तो 50 रुपए लेना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, वो भी एक टाइम के लिए। 50 रुपए में आपको पेट भर गोलगप्पे भी नहीं मिलेंगे, ठीक है ना? 50 रुपए में कुछ नहीं मिलता आजकल के टाइम पे, कुछ नहीं मिलेगा। तो 50 रुपए कोई एक ब्लड टेस्ट के लिए देना इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है? 50 रुपीज, 50 रुपए आपको कस्टमर से लेने हैं, ठीक है? अभी देखिए, हो सकता है कि 50 रुपए जो आपने लिए कस्टमर से, हो सकता है कि ऐसे कस्टमर है जहां पर आप, ये थोड़ी जो है बुद्धिमानी की बात है, जहां पर आप 50 रुपए न ले। कब नहीं लेना? ऐसे कस्टमर जिन्होंने आपसे पूरा फुल जो है एकदम हेल्थ एंड हाइजीन पैक लिया है, मतलब कि न्यूट्री चार्ज वोमन लिया है, ठीक है, किसोल का इंटीमेट वॉश लिया है, किसोल के जो सैनिटरी नैपकिन है वो लिए हैं आपसे, तीन चीजें पूरा सेट लिया है आपसे ऑलरेडी, ठीक है, उसके बाद आपने जो है ब्लड टेस्ट करवाने जाना है उनको, तो उनसे 50 रुपए नहीं लेने। अगर किसी ने सिर्फ न्यूट्री चार्ज वोमन लिया है उनसे 50 रुपए लीजिए, जिन्होंने पूरा सेट लिया है उनसे 50 रुपए नहीं लीजिए, 50 रुपए आप खुद के पॉकेट से दीजिए। अभी आप बोलेंगे कि क्यों दूँ, क्यों मैं दूँ 50 रुपए, क्योंकि अगर 10 कस्टमर है तो आपके 500 रुपए जा रहे हैं, पापा भी सोचेंगे अरे 500 रुपए मैं क्यों दूँ। आपको लॉन्ग टर्म सोचना है, दूर का सोचना है थोड़ा। पहली बात, आपको प्रोडक्ट डीपी पे सेल ही नहीं करना कभी, ऑलवेज एमआरपी पे सेल कीजिए, ज्यादा प्राइस पे आप सेल कीजिए। अगर आप एमआरपी पे सेल कर रहे हैं तो आपको एनीवेज हर एक पैकेट के ऊपर, न्यूट्री चार्ज वुमन के पैकेट के ऊपर 110 रुपए का फायदा है, राइट? जो 110 रुपए का रिटेल का जो आपका फायदा हो रहा है उससे अगर 50 रुपए गए आपके, फिर भी 60 रुपए रहे ना आपके पास, फिर भी तो रहे, ऐसा नहीं है कि पूरा पैसा चला गया, और वो भी बस एक ही महीने के लिए हुए, बस एक महीने के लिए हो गया, उसके बाद तो अपने ये रिपीट कस्टमर बन जाएंगे, तो उसके बाद तो 110 आपके रिटेल में आते ही रहेंगे, राइट? तो ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जब किसी ने जो है पूरा फुल सेट ले लिया, आप उनको ये बता सकते हो कि आपको हीमोग्लोबिन का ब्लड टेस्ट इस लैब से, लैब का नाम बता के, इस लैब से मेरा कनेक्शन है, कोलाबोरेशन है, बहुत सम्मान बढ़ेगा आपका कि अच्छा लैब के साथ कनेक्शन है, मतलब कि बहुत बड़े कुछ मतलब ये हैं, तो बहुत विश्वास उनका बढ़ेगा, पहली बात है। दूसरी बात ये कि आप उनको ये बोलेंगे कि ये जो लैब है यहाँ पर आपको 50% ऑफ, मतलब कि 50% डिस्काउंट में ब्लड टेस्ट आपको करने के लिए मिलेगा, हीमोग्लोबिन 50%। ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे ब्लड टेस्ट, हमारे हर किसी का जो है एक्सपीरियंस है, मैक्सिमम 5% 10% इतना डिस्काउंट मिलता है, 50% डिस्काउंट बहुत बड़ी बात है। ये जो अभी अपनी दिवाली आ रही है, आप कितना ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होंगे अभी, तो 50% 60% 70 80 जितना ज्यादा परसेंट डिस्काउंट जाता है वो चीज हम लोग खरीदते हैं, कि हमको चाहिए ना वो देखने में, वो दाम जो भी हो अगर वहां पे दिख रहा है कि 50% ऑफ है, मतलब ये खरीदना है, ये मार्केटिंग जो है होता है, हम लोग सीख ही रहे हैं उनसे। तो बात वही है कि हमको बताना ही है उनको, जब ऑलरेडी प्रोडक्ट सेल नहीं किया है, गए हैं उनके घर, कैसे सेल करना है वो, उसका तो वीडियो है आपके पास ऑलरेडी, टूल्स है कैसा करना है आपको पता है, शुरुआत में ही बताना है कि आपको 50% ऑफ में हीमोग्लोबिन का जांच मैं इस जो है लैब से आपको करवा दूंगा, क्योंकि मेरा जान पहचान है, मेरा कोलाबोरेशन है उनके साथ, ठीक है? बड़ी बहुत बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि लैब के साथ कोलाबोरेशन किन का होता है, डॉक्टर्स का होता है, डॉक्टर बोलता है कि जाओ आप इस लैब से टेस्ट करवाओ क्योंकि ये जान पहचान के हैं मेरे, राइट? डॉक्टर लोग बोलते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बोलती हैं कि चलो आप इन यहाँ से जो है आप ब्लड टेस्ट करवाओ, आप हमारे कंपनी में काम करते हो इस जगह से आप ब्लड टेस्ट करो, आप समझो कि आपका लेवल कहाँ पे चला गया, जब आपने ये बोला कि ये लैब से आप जाकर टेस्ट करो, आप 50% जो है मैं आपको भी, 50% 50 रुपए, वो थोड़ी उनको समझना है, थोड़ा आपको समझ, उनको वो समझाने की थोड़ी जरूरत है, हमको हमको बताना है बस कि 50% फ्री की चीज, डिस्काउंट, ये चीज बहुत पसंद आती है हम, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, जो डीपी लगाया ना हम लोगों ने अभी देख चुके हैं, कितने सारे कॉल्स आते हैं, रिप्लाईज आते हैं, फ्री चीज देख के बस लोगों को समझना है कि एटलीस्ट घर पे आकर टेस्ट तो करके जाए, मतलब अनुमान लगा के जाए, चलो राइट? जब आप अनुमान लगाने ही जा रहे हैं तभी ये बात बोलते हैं कि आपको टेस्ट मैं करवा दूंगा, और मैं गारंटी के साथ, अभी तो आप गारंटी भी दे सकते हो कि मैं गारंटी के साथ आपको बोलता हूँ या बोलती हूँ कि 3 महीने बाद जब आप टेस्ट करवाओगे आपका ये लेवल बढ़ा होगा, ठीक है? आप सेफ्टी के लिए ये भी बोलो कि 2 पॉइंट से 3 पॉइंट बढ़ जाएंगे, आपको पता है कि मिनिमम क्लिनिकल ट्रायल से 2 पॉइंट बढ़े ही हैं सबके, 5 6 पॉइंट भी बढ़े हैं, अभी अगर बच्ची है तो ये आपको पता है कि 5 6 पॉइंट बढ़ेंगे,
उसको थोड़ी पता है। तो आपने बताया 2 पॉइंट है, टेस्ट करके देखिए कि 5 पॉइंट बढ़ा है, मतलब आप समझ सकते हैं क्या क्या बात हो रही है इसमें, कि जो बोला उससे भी ज्यादा मिल गया। चलो वो तो सबको बताएगी अपने स्कूल में जाके, अपने कॉलेज में, ठीक है, ट्यूशन में, सबको बताएगी, उसकी माँ सबको बताएगी, तो कस्टमर अपने पास ऑटोमेटिकली आना चालू हो जाएंगे। और अभी तो लैब के साथ कोलाबोरेशन भी हो गया, तो उसी लैब में हम लोग लेके जाएंगे, लैब का भी बिजनेस बढ़ रहा है, आपका भी बिजनेस बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज हमको करनी है, छोटे छोटे जो है ट्रायल्स हमको खुद के करने हैं, चाहे वो 5 लोगों के हो, 10 लोगों के, अपना बिजनेस में बढ़ाएगा और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, रिस्पेक्ट बढ़ाएगा कस्टमर के सामने, ठीक है। अभी देखिए, ये मैंने बोला कि आपने कस्टमर के पास आप गए हो ऑलरेडी, अपॉइंटमेंट मिल गया, तब जाके आप बता रहे हो 50% ऑफ के बारे में, ये तो एक एक कस्टमर हो गए ना। अगर आपको बल्क में कस्टमर चाहिए कि चलो लैब का जो जो भी है आदमी है औरत है, वो आपको बोल रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग लाओगे, तब जाके मैं ये इसमें अग्री करूंगा या करूंगी कि आप हमारे लैब के साथ जो है, मैं 50 रुपये दूंगा, आप 50 देना, ज्यादा से ज्यादा लोग आपको लाने, तब मैं ये अग्री करूंगा या करूंगी। हो सकता है बिजनेस है उनका, वो बोल सकते हैं आपको। तब क्या करना है, तब हमको स्कूल वगैरह जो जो एरियाज में, स्कूल है, हाई स्कूल है, कॉलेज है, जहाँ पे लड़कियां जो है पढ़ती हैं, वहां पे हमको जाके प्रोग्राम करना है। वहां के जो टीचर हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उनके साथ आप बात कीजिएगा। कैसे बात करना है, अभी मैंने आपको समझाया, सेम तरीके से बात करनी है, ठीक है, सेम तरीके से बात करनी है। और वहां पे आपको क्या बोलना है, वहां पे जब आप प्रोग्राम करेंगे, पहली बात तो अकेले नहीं जाना, अगर पुरुष है तो डेफिनेटली महिलाओं को साथ लेके जाना है, क्योंकि वो बात करने में इजी रहता है थोड़ा। और अगर मैं महिला हूँ और कोई पुरुष मुझे जो है मासिक धर्म के बारे में बताएगा, मुझे कंफर्टेबल नहीं लगेगा, कोई महिला बताएगी तो मुझे अच्छा लगेगा उस हिसाब से। तो महिला को अपने टीम में ऑलवेज जो है रखिए, और महिला है वो भी ज्यादा से ज्यादा महिला लेके जाइए अपने साथ, क्योंकि स्कूल में कॉलेज में ज्यादा बच्चियां हैं, तो आप ज्यादा जो है लोगों के साथ बात कर पाएंगे। टूल्स लेके जाना है, अभी कैसे सेल करना है वो तो बहुत टाइम से हम लोग जो है जानते हैं ऑलरेडी, कर भी रहे हैं, बस बड़े नाप से करना है। अभी यहाँ पर भी ये बात आप बोल सकती हैं कि आप जो है ये प्रोडक्ट लोगे 100% लेवल, तो आपका मिनिमम 2 पॉइंट बढ़ेगा। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी गारंटी दूंगी कि मैं बात की बात नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको लेवल दिखाऊंगी पेपर में, टेस्ट करके मैं आपको दिखाऊंगी। मेरा जो ये टीम है, क्योंकि आप टीम के साथ जाओगे, टीम जो है हमारा, टीम जो भी आपके टीम का नाम है, या फिर आप खुद का नाम बताइए कि मेरा इस लैब के साथ कनेक्शन है, और यहाँ पर से आपको 50% डिस्काउंट में हीमोग्लोबिन का टेस्ट करने को मिलेगा। और मैं कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ कि 3 महीने बाद आपका लेवल बढ़ेगा, जो लेवल है, मैं बात की बात नहीं बोल रही, या नहीं बोल रहा, ओके। तो जब आपने 100 बच्चियों के सामने, बात की बात है, बस एक उदाहरण ही ये है कि 100 बच्चियों के सामने ये बात बोल दी कि आप 50% ऑफ में करो, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि जब एक जन को आप बोलते हैं हाँ या ना में आंसर आएगा, जब आप 100 लोगों के में बोलते हैं, अगर एक या दो कोई लड़की ने बोला कि हाँ मैं करूंगी, तो बाकी के जो सोच रहे हैं कि चलो मैं करूं या ना करूं, बाकियों का सुनकर उनका भी जो है आंसर चेंज हो जाता है कि हाँ अगर ये कर रहे तो मैं भी करूँ, ठीक है। तो ऐसे ज्यादा से ज्यादा लोग भी हम लोग लाभ में लेके जा सकते हैं, मतलब जो 10 जन का ट्रायल था वो 100 जनों का भी हो सकता है, अगर हम लोग बड़े बड़े जगहों पे जाएं। पर पहले आप छोटे जगहों पे जाइए, कम से कम लोगों को लेके पहले आप शुरुआत कीजिए, उसके बाद बड़े जगहों पे आप जा सकते हैं। पर अगेन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी बड़ी जगहों पे जा रहे हैं, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें हमको याद रखनी है, पहली बात छोटे छोटे ट्रायल्स करने हैं, ट्रायल्स के लिए हमको लैब के साथ कोलाबोरेशन करना है, उनके साथ बात करनी है कि आप 50% दो, मैं 50% दूंगा, और टेस्ट हम लोग करवाएंगे, आपके भी रिपीट कस्टमर बनेंगे, क्योंकि ये कस्टमर आपके पास 3 महीने बाद एनीवेज आएंगे टेस्ट करवाने। और अगेन, एक लैब से अगर अच्छा टेस्ट आ गया रिपोर्ट, तो हम लोग टेस्ट वहां से करवाते हैं। ये मैंने एक्चुअली में देखा है, ये होता है एक्चुअली में कि कोई एक लैब से जाके आपने टेस्ट करवाया, मेरे ही साथ हुआ है, मतलब मेरे साथ एग्जैक्टली नहीं हुआ, मेरे पेशेंट है तो उनके साथ ऐसा हुआ था कि कुछ कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट था, ठीक है, वो हर 6 महीने करवाते हैं, तो अभी उन्होंने एक जगह पे कराया, ठीक है, खराब आया, ठीक है। उसके बाद 2-1 महीने बाद कुछ डाइट वगैरह जब मैंने उनको दिया, उसके बाद वो टेस्ट करवाने गए किसी और लैब में, कोई भी कारण से वो पहला लैब ओपन नहीं था या कुछ था, वहां पे बहुत बढ़िया रिजल्ट आ गया। तो अभी वो
पहले वाले लैब पे कभी जाते ही नहीं है, वो दूसरे में ही जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में वो बैठ गया है कि इस लैब में मैंने टेस्ट करवाया था, यहाँ पे जो भी टेस्ट मैं करवाऊंगा ब्लड टेस्ट वो अच्छा ही आएगा, तो उनके घर के सब लोगों का टेस्ट वहां पे ही होता है। तो मतलब कि उस लैब का बिजनेस बढ़ा ना, समझ सकते हैं कि आपका एक प्रॉपरली जब आपने बात की तो आपका भी बिजनेस बढ़ा, लैब का भी बिजनेस बढ़ा। और अगर सच्चे मतलब समझदार जो है लैब के लोग हैं तो वो भी समझ जाएंगे कि उनका बिजनेस बढ़ाने ही आप आए हैं डीसी के लिए, ठीक है। और जब भी स्कूल में जा रहे हैं, बड़े एरिया में जा रहे हैं, हमको 50% ऑफ उन्हीं को बोलना है जिनको हम लोग पूरा किट दे के आ रहे हैं। अगर किट वो नहीं ले रहे हैं, सिर्फ न्यूट्रीचार्ज वोमन ले रहे हैं, तो फिर हम उनसे ही 50 रुपए हमको लेने। पर बेस्ट है कि किट सेल करें, क्योंकि हमको तो पीवी भी चाहिए ना, वो भी हमको चाहिए। तो अगर बिजनेस बढ़ाना है तो किट ही आप सेल करो।